morning student, myself as S.P. Dubey. Today I am going to start chapter 3 miscellaneous exercise. As you know about miscellaneous exercise, what is miscellaneous exercise? Previous classes I told about it. So all students, see every video and try to understand. If any problems, any student, so you message in the group, these questions I have not understand, I do not have understand, clear? So all student, complete your copy, mathematics. तो हम लोग आज मिसेलेनियस एक्सरसाइज पे काम करेंगे, ठीक है ना? इसमें जो है मिसेलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन वन चूज द करेक्ट ऑप्शन, के बारे में मैं इसमें कुछ जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि आपको कई बार ये चीज बताई गई है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इस चीज पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, जब तक किसी चीज के बारे में हम जानने की इच्छा नहीं रखेंगे, हम उसमें कंप्लीट नहीं हो सकते। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। हम एक ही चीज थोड़ा सा ही पढ़े, लेकिन सही से पढ़े उसको, उसको अपने माइंड में रखें। आप वीडियो जो भी व्यू दिया जाता है उसको टाइम निकाल कर देखो। इस समय एक यही टाइम है, दैट इज द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल इन दिस टाइम। सो ओनली वन मीडियम टू कनेक्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दैट वे मोबाइल, क्लियर? तो हम एलसीएम, एससीएफ चल रहा है, उसी का सेक्टर है। इसमें मैं आपको सेकेंड बताऊंगा। देखो, हमसे क्वेश्चन वन का चूज द करेक्ट ऑप्शन में सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसमें राइट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू सेवन थ्री सिक्स इसका एलसीएम है, एलसीएम इक्वल 1368 एचसीएफ, एचसीएफ फाइनल। पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, तो बड़ी फॉर्मूला एस सी एफ इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अपॉन एल सी एम। ओके, देखो हम लोग क्वेश्चन दिया गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हमको दिया गया। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर्स राइट करते और यहाँ पे कोई नंबर्स होता, दोनों को मल्टीप्लाई जो होता वो होता, और वही दोनों को मल्टीप्लाई हमको यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं? ये चीज हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम, यानी हो
टू टाइम्स में कट जाएगा, क्या आएगा टू। सो ऑप्शन थ्री इज राइट। क्लियर, इस तरह से हम करेंगे। केसेस टू आपको फैक्टराइजेशन बताया गया, फिर भी मैं आपको इसमें से एक बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट में है 375 and 825। इसका जो हमको राइट करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं, सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग हम इनका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए आपको बताया गया कि जैसे ऐसे निकालते हैं उस तरह से करते हैं। तो 375 ये 3 से कट ऑफ होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 20, 3 से कट ऑफ हो गया, 5 से कट ऑफ होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 5, यो। वैसे 825 का तो 8 1 8, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 50, 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 5। अब इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग राइट करते हैं। 375 इक्वल करके हम राइट करते हैं, इनका जो फैक्टर है वो किस से मल्टीप्लाई रहा है, 3 into 5 into 5 into 5, 825। इसका हो जाएगा 3 into 5 into 5 into 5। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिखते हैं SCF इक्वल, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, जितने कॉमन मिल रहे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 5 into 5, 3 5 15, 15 5 75। सो आंसर इज 75। क्लियर, इस तरह से हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑल स्टूडेंट सॉल्व ऑन द रफ कॉपी एंड सेंड इन द ग्रुप। जो भी आप करोगे इसको रफ कॉपी पे करके अच्छे से, क्योंकि आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 and 2, 4 भी हो सकता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।